आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم صل على محمد وعلى محمد। मोमिनीन कराम, जिस तरह दुनिया तेज़ हो गई है, इस तरह हर चीज़ में कुछ तब्दीली आती गई है, और जिस तरह हमारा माशरा बरे सगीर का है कि हमें हिंदुओं से कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ जायज़ हैं, कुछ नाजायज़ हैं, कुछ रसूमात हैं, कुछ ऐसे जैसे कि मसलन पीरों का, असली पीरों की हम बात नहीं कर रहे, असली सादात जो हैं वो मुतबर्रिक हैं, उनकी दुआएं मुतबर्रिक हैं, लेकिन ये जेली पीरों वाला सिस्टम शुरू हुआ है, तावीज़, काला इल्म, फलां फलां फलां, ये चीज़ें तकरीबन हमें हिंदुओं से मिली हैं, क्योंकि हम मखलूत माशरे में रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया के और बांग्लादेश के लोग। तो इसी तरह जिनसी मसाइल में अंग्रेज़ों ने दुनिया को तेज़ कर दिए। तो एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है, बार बार तकरार किया जाता है, हर एक को अलग जवाब देने की वजह से थोड़ा मुश्किल हो रही है, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए। मुश्किल मसाइल हैं, लेकिन ज़िक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि शरीयत है और शरीयत ने हर चीज़ बता दी है। सवाल यह है कि लोग पूछते हैं कि जो मियाँ और बीवी हैं, एक दूसरे के जिंसी अज़ा को एक दूसरे के मुंह में ले सकते हैं, यानी ज़बान लगा सकते हैं या नहीं। तो ऐसा करना शरण हराम नहीं है, जायज़ है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी नामुनासिब फेल है, तो ठीक है, नामुनासिब है, आप ना करें, लेकिन दूसरों को ये कहना कि हराम है, शरीयत इजाज़त नहीं देती, मुफ्ती बन जाना, फतवा देना जायज़ नहीं होता। ऐसा करना शरण कोई हराम नहीं है, हराम नहीं है। आपके सामने, आपकी नज़रों में कोई चीज़ कभी है तो उसको आप फतवा नहीं दे सकते कि यह हराम है। तो ये टॉपिक वो हैं जो अहले सुन्नत के उलमा और काफ़ी दीगर लोग जो हत्ता के ला इल्म होते हैं शरीयत से, वो भी अपनी चीज़ें निकाल निकाल के यूट्यूब पे और फेसबुक पे डाल रहे होते हैं और आवाम को परेशान कर रहे होते हैं। तो शरी हुक्म ये है कि ऐसा करना जायज़ है, अगर नामुनासिब फेल है तो ना करें, इज्तनाब करें, लेकिन इसमें कोई शरण हुरमत साबित नहीं है। मियाँ बीवी एक दूसरे के जिंसी आज़ा को मुँह में ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है कि अगर मनी निकलने का डर है, चांस है, तो उस टाइम फौरन दूसरे पार्टनर को हटा देना चाहिए, ताकि मनी मुंह में ना लगे, क्योंकि मनी नजस और हराम है। दूसरी बात यह है कि शौहर बीवी के पिस्तान को मुंह लगा सकता है या नहीं, यानी कि जो जहां से बच्चा दूध पीता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर वो बच्चादार खातून है, उसका दूध आता है, तो शौहर को दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन वो जिंसी लज्जत के लिए बीवी के सीना से यानी लुत्फ और लज्जत उठा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए हम जिक्र करते हैं और ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि मोमिनीन बाज़ हलाल को हराम कर देते हैं, हराम को हलाल कर देते हैं, और आपस में वो लगे रहते हैं कि नहीं जी ये शरीयत में ऐसा है, शरीयत में ऐसा है। तो शरी मसाइल के लिए हमें सब कुछ अहले बैत ने, कुरान ने सब कुछ बता दिया है, हराम और हलाल बता दिया है, शरी हुक्म हमने बता दिया है, मोमिनीन से मुल्तमिस हैं, हमें दुआओं में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।